भाई स्वागत है आपको अपने चैनल गोल्डन के टब्लू में। जो पर आपने ऐसे तो कई सारी वेब सीरीज और फिल्में बनती देखी होंगी। कुछ समय पहले मनी हाइस्ट नाम की एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई थी। यह वेब सीरीज कुछ ही दिनों में इतनी लोकप्रिय हुई थी कि नेटफ्लिक्स पर टॉप में चल रही है। खैर, यह तो होगी फिल्म की बात, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ की उन पाँच सबसे बड़ी चोरियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आपके पैर तले से जमीन गायब हो जाएगी। ये इतनी बड़ी चोरी है कि इन पर कई भाषाओं में फिल्में और वेब सीरीज बनाई गई हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो पर नए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर एक, ब्राजील के फोर्टालेजा में हुई चोरी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी में से एक है। यहाँ के एक बैंक में कुछ चोरों ने इस तरीके से चोरी की कि आज भी लोग इसके बारे में सोचकर हैरान होते हैं। दरअसल यहाँ साल 2005 में चोरों ने पहले सेंट्रल बैंक की एक ब्रांच के पास एक जमीन खरीदी, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। असलियत में चोर बैंक में डकैती डालने के लिए 256 फीट का टनल खोद रहे थे जो कि सीधे बैंक के वॉल्ट में निकलती थी। कुछ दिनों में जब उन्होंने टनल खोल दी तो इसके बाद उन्होंने बैंक में डकैती डाली और करीब 3.5 टन बिलियन नोट ले उड़े। इस चोरी में तकरीबन 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लूट की गई थी। नंबर एक, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की चोरी। साल था 2003। इराक के बगदाद में लोग अपने काम में मसरूफ थे इस बात से अनजान कि उनके शहर में आज दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाएगा। बगदाद के सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में हुई चोरी को लोग दुनिया की सबसे बड़ी चोरी मानते हैं। कहा जाता है कि इस चोरी में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपये की लूट की गई थी। हालांकि इस चोरी को लेकर एक अफवाह यह भी है कि इसे कराने का निर्देश खुद तानाशाह सद्दाम हुसैन ने दिया था। इस बात को तब हवा मिली जब सद्दाम हुसैन के घर पर एक बार रेड मारी गई तो उनके यहाँ से तकरीबन $650 मिलियन बरामद किए गए थे। नंबर तीन, इटली का बदमाश लंदन में चोरी। इटालियन माफिया से पूरी दुनिया में हुकूमत करते थे। उस वक्त कहा जाता था दुनिया के साथ कोई ऐसा देश जाइन माफियाओं के आदमी ना हो। इसी इटली का एक खूंखार अपराधी वलेरियो ने साल 1987 में लंदन में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। दरअसल 1987 में इटली का खूंखार अपराधी वलेरियो ने लंदन में एक बड़ी चोरी करने का प्लान बनाया और करीब 800 रुपये बैंक से उड़ा दी। हालांकि यह चोरी इतनी आसानी से की गई थी इस पर कोई फिल्म नहीं बनी। दरअसल वलेरियो ने अपने एक साथी के साथ लंदन के एक बैंक में खाता खुलवाने गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने बैंक मैनेजर को बंदी बना लिया। मैनेजर को बंधक बनाने के बाद उसने अपने बाकी साथियों को अंदर बुलाया। उन सभी ने बैंक के तकरीबन 800 करोड़ रुपये उड़ा दिए। चोरी को अंजाम देने के बाद वलेरियो साउथ अमेरिका भाग गया। नंबर चार, रॉयल मेल ट्रेन की चोरी को जिस तरह अंजाम दिया गया था उसको लेकर कई फिल्में और वेब सीरीज बनाई गई हैं। इस चोरी को साल 1963 में इंग्लैंड के बकिंगम शहर में अंजाम दिया गया था। दरअसल रॉयल मेल ट्रेन कीमती सामान से मैरी ग्लासगो से आ रही थी। वहीं से 13 चोरों ने महीने पहले की गई प्लानिंग के अनुसार अंजाम दिया। हुआ यूं कि पहले चोरों ने पट्टी पर लगे सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से रॉयल मेल ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुक गई। वहीं पर इसे लूट लिया गया। इस चोरी में करीब 33 करोड़ रुपये लूट लिए गए थे।